भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भागलपुर में ग्रामीणों ने बालू माफियाओं को दौड़ा दौड़ा कर जमकर उनकी पिटाई कर दी है। मामला गौराडी थाना क्षेत्र के गंगटी के समीप का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बालू माफिया के बीच विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष से सुशांत कुमार सिंह ने पंकज यादव के अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की गाड़ी को पुलिस को बुलाकर पकड़वा दिया था, जिसके बाद से सुशांत और पंकज के बीच विवाद शुरू हुआ था। पंकज यादव अपने 3 साथियों के साथ सुशांत कुमार सिंह को मारने के उद्देश्य से घर से ही उनका पीछा कर रहा था। तभी गंगटी के सामने ग्रामीणों ने पंकज यादव को अवैध हथियार के साथ पकड़ लिया और चारों तरफ से उसे घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दो बदमाश मौका देखकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस पंकज यादव समेत उनके गुर्गे सुशांत सिंह को मारने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। वहीं सुशांत अपने कार से सवार होकर जगदीशपुर की तरफ आ रहे थे। पंकज यादव को पीछा करते जब उन्होंने देखा तब सुशांत ने अपना संतुलन खो दिया और उनकी कार नदी में गिर गई, जिससे कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची 2 थानों की पुलिस ने घायल पंकज यादव को प्रारंभिक इलाज के लिए जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। मामले को लेकर घायल के परिजनों ने बताया कि गांव के सुशांत कुमार सिंह ने पंकज यादव को बालू गिराने के लिए कहा था। पंकज यादव ने उसका बालू नहीं गिराया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। बालू नहीं गिराने पर सुशांत पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस बुलवाकर जब्त करवाने का आरोप भी परिजनों की ओर से लगाया गया है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गौराडीह पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है। इसी में हो गया कि फोन कर दिया था ना गाड़ी को, तो ये तो इसको सब पहचानता है, उसी के लिए आज ऐसा हुआ है। कल गाड़ी पकड़ के लेके गया उसका बालू गाड़ी ले गया पकड़ के। हाँ। इसको रपेट के मारा। हाँ, इसको आज रपेट के मारा। कैसा मारा, क्या नाम उसका? किसका जो मारा रपेट, क्या नाम, घर उसका कहाँ है? उसका घर सर, घर तो पता नहीं है, करो या भाट करो या बावन करो, यही है। नाम उसका क्या है? नाम नहीं जानता, किसी का नाम। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, जिले एवं प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं कमरिया पथ का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी ने नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को गंगा घाट एवं शहर में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पीएचडी विभाग के अधिकारियों, थानाध्यक्ष प्रियरंजन समेत सभी विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ससमय सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अभी मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे समस्त प्रशासन की टीम ने सर्वे किया है और हम लोग श्रद्धालुओं को जितनी अधिक से अधिक सुविधाएँ दे सकते हैं उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि घाट से लेकर के और श्रद्धालु को जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय है, पीने के पानी की सुविधा है, बिजली है, साथ ही उनका जल पात्र कैसे आएगा और जो है कांवर की सुरक्षा कैसे होगी, इसके अतिरिक्त हम लोग सीसीटीवी कैमरे हैं जगह जगह पे, प्लस सीवरेज वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करके हम लोग गंगा में डालें, इसके साथ ही हम लोग बैरिकेडिंग पे, इन सभी पहलुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी पूरी टीम सभी लोग मिल करके श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएँ मुहैया कराए। और देखिए, एनएसएटी में काम स्लो है, जिसको हम लोग एक्सपेडाइट करा रहे हैं और जो टीम है, टीम ने कमिट किया है कि 30 जून से पहले हम लोग वाटर एबल उसको विधिवत बना देंगे और इसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सड़क बनी हुई है उसको उखाड़ करके उसको करेक्ट करना, उसमें ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ट्रैफिक भी हम लोग प्रॉपरली रेगुलेट कर रहे हैं और अपनी टीम से मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं। 30 जून से पहले मुझे उस टीम ने आश्वासन दिया है कि काम सही तरीके से। और पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के हमने कहा है कि 10 से 12 बोर किए जाएं और उसके ऊपर ही, बोर के ऊपर ही वहीं पे हम टैंक लगा दें, ताकि आम हमारे कांवरिया श्रद्धालु हैं उनको सीधा पानी, टैप जो बोर का पानी उनको सीधा मिल सके और शुद्ध जल उनको मिल सके। श्रावणी मेला 2024 के प्रारंभ होने में 40-42 दिन बचा हुआ है और उसी के दृष्टिगत रखते हुए हमारे और डीएम साहब के द्वारा और सभी पदाधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है, तैयारी होगी और कितने बल की आवश्यकता होगी उसका आकलन भी किया जा रहा है। चूँकि पिछले बार जो श्रावणी मेला था वो 2 माह तक चला था, तो इस बार 1 माह का मेला होगा। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी
कुछ ज़्यादा हो गए तो उस हिसाब से बल का आकलन किया जा रहा है और उनके ठहराव स्थल को भी चिन्हित किया जा रहा है। जितने भी पार्किंग स्थल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, वो भी वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी है उसकी सारी तैयारी हो रही है। और हम लोग का लक्ष्य है कि जो श्रावणी मेला के जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो सुगमतापूर्वक आएँ और अच्छे से यहाँ से जल लेकर बाबा का दर्शन करें, वहाँ पर जल अर्पित करें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर प्रक्षेत्र के रेंज DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार समेत भागलपुर, बांका एवं नवगछा के सभी पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इसको लेकर पटना से वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से DGP ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले 3 दिन तक चलेगा। प्रत्येक अधिकारियों को 3 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी टाउन हॉल में एकजुट होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसे देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। भागलपुर सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के वार्ड नंबर 10 चाय टोला के सामने गंगा नदी किनारे एक 5 वर्षीय बच्ची की तैरती हुई लाश देखी गई। इस लाश को देखते ही आसपास गंगा नदी के किनारे खेल रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। हालांकि गंगा नदी में बहती हुई 5 वर्षीय बच्ची के लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए 112 नंबर पर पुलिस की गश्ती गाड़ी को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव की पहचान के लिए सभी थानों से संपर्क में जुट गई है। तो हम लोग आए घूमने के लिए खेत, तो देखे कि हल्ला गुल्ला, मतलब थोड़ा सा बच्चा लोग बकरियों की चरा रहा था, तो बच्चा सब बोलने लगा कि यहाँ लाश पड़ा है। तो हम लोग भी गए खेत, देखते घूमते घूमते देखे तो बॉडी पड़ा हुआ था। बॉडी किसका है? बॉडी एक बच्ची का है, जो 5 साल का बच्ची है, उसी का बॉडी पड़ा हुआ है। इसकी सूचना किसी को दिया आप? इसकी सूचना तो हम 112 थाना को दिए थे, बाकी अभी तो कोई अभी आया। कितने बजे सूचना दिए थे? 6 बजे। आप बॉडी कितने बजे देखे थे? हम 6 बजे देखे थे। 6 बजे आप सूचना दिए? हाँ। अभी तक देखे तो सूचना दिए, और अपना जो पंचायत में जो मुखिया जी हैं उनको भी हम सूचना दिए, सबको सूचना दे के, तो उसके बाद हम 112 पर डायल किए। संध्या गश्ती में थे। अच्छा। संध्या गश्ती में वहाँ ना लाल पुल पर बाईपास वहीं थे। 6:30 बजे हमको कॉल किया मुंशी जी कि अशोक तू थाने पे आ। ये बात नहीं बोला कि ये यार वो कुछ नहीं बोला, कल के थाने पे आ जाओ। थाना पाए तो जाके संजय सब आ गया है। तो उसके बाद कहा यही बोला कि अशोक इंग्लिश में जो है बच्चा एक तो दुआ के लिए चलिए। बात
भागलपुर के स्थानीय होटल में बाल श्रमिक आयोग के द्वारा राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन समारोह पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं दर्जनों लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों ने केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर उनके जन्मदिन की बधाई दी है। राधा रानी प्रोडक्शन हाउस भागलपुर के बैनर तले मिस और मिसेज भागलपुर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के छोटे छोटे बच्चों एवं बच्चों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों के द्वारा फैशन शो में भाग लिया गया। इस फैशन शो का मुख्य आकर्षण का केंद्र मॉडलिंग शो था। साथ ही इस कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु ने भी भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। देर रात तक शहर में लोग इसका आनंद लेते रहे। आइए हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं।